Hello friends, I'm Devika. Welcome back to my channel. So today I'm going to share with you office makeup look, which you can see I've already done on my face. I know subah ka time bahut hi jaldi ka time hota hai, bhag daudi ka time hota hai, magar usme hame acha bhi dikhna padta hai. And for that I have created this look jisme aap kam time mein acha makeup kar sakte hain. I know किसे पसंद नहीं है अच्छा दिखना ऑफिस में और मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसलिए आपको क्या करना है, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन शेयर इट हैज़ वेल विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव, इट्स फ्री. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए क्योंकि विंटर सीजन है, तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करिएगा. तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का मॉइस्चराइज़र जिसमें सनस्क्रीन भी अवेलेबल है. मेरी स्किन ऑयली है इसके लिए मैं हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ. तो सनस्क्रीन मस्ट है, ज़रूर अप्लाई करिए क्योंकि डे टाइम है. तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. आफ्टर दैट आईदर यू कैन अप्लाई प्राइमर और यू कैन यूज़ पतंजलि एलोवेरा जेल हैज़ अ प्राइमर. अगर आपको प्राइमर यूज़ करना नहीं पसंद है डेली बेसिस पे तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ये प्राइमर का ही काम करता है. इसे लगाने से क्या होता है, जो हमारे पोर्स है वो फिल हो जाते हैं, स्मूथ लुक देते हैं और जो फाउंडेशन है वो काफ़ी टाइम तक टिका रहता है हमारे फेस पर, इसलिए हम ये प्राइमर अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पर लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ 99 to 5. अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है तो सेकेंड ऑप्शन है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इसे मैंने डॉट डॉट फॉर्म करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, नेक पर भी, और इसे मैं ब्लेंड करूँगी इस ब्रश से. आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं. तो मार्केट में बहुत सारी सीसी क्रीम और बीबी क्रीम अवेलेबल है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. डेली बेसिस पे हम फाउंडेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाउंडेशन तो हम ओकेशनली अप्लाई करते हैं फेस पर. तो इसलिए मैंने ऑफिस लुक के लिए 9 to 5 सीसी क्रीम लैक्मे का यूज़ किया है. आफ्टर दैट फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर. अगर आपको डार्क सर्कल है तो डॉट डॉट फॉर्म में अप्लाई कर ले. मैं इसे ट्रायंगल फॉर्म में अप्लाई नहीं कर ली हूँ ताकि मुझे कोई हैवी लुक नहीं चाहिए. तो इसे मैंने माउथ एरिया के यहाँ पे भी लगा लिया है. ये क्या करेगा, ये मेरे डार्क सर्कल कंसील भी कर देगा एज़ वेल एज़ हाईलाइट भी कर देगा. तो इसे मैं फिंगर के हेल्प से ही डैप टैप कर रही हूँ. आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे कॉम्पैक्ट और इससे मैं अपना जो कंसीलर है वो सेट कर लूँगी डैप डैप करके ताकि कोई क्रीजेज ना हो और ये काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक टिका रहे मेरे फेस पर. तो इसे मैं डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट को. बाकी मैं इस ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगी कॉम्पैक्ट और जो भी एक्सेस था आँखों के नीचे वो मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है ताकि कोई हैवी लुक ना दे. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कॉम्पैक्ट ज़रूर अप्लाई करें. आफ्टर दैट फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक आईब्रो पेंसिल और मेरा शेड ब्राउन है, तो आप अपने हेयर के कलर के हिसाब से ही पेंसिल यूज़ करें. इसमें दो शेड्स आती है, एक ब्राउन और एक ब्लैक. तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस
बहुत ही क्लोजली जो मेरे आईब्रो का शेप है एकदम लाइक बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो मेरे गैप्स है वो मैं फिल इन कर रही हूँ ताकि वो एक नेचुरल लुक दे। आफ्टर दैट मैं ये लोटस का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर सीजन है। बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक आप लिप बाम ज़रूर अप्लाई करिएगा ताकि वो चैप लिप्स ना रहे। आफ्टर दैट आई एम फॉर आई शेडो यूजिंग दिस जैकलिंग हिल पैलेट, और जिसे मैं ये डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। ये दिख बहुत डार्क रहा है बट एकदम लाइट शेड दिखेगा। तो मैं इसे हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे आई लिड पे और क्रीज पे भी। तो अच्छे से ब्लेंड कर ले। After that, I'm using this L'Oreal bronzer. तो इसे मैं अपने hollows of my cheeks में अच्छे से apply कर लूँगी। Jaw lines, my chin. अगर आपको blush apply नहीं करना है तो आप bronzer ही apply कर सकते हैं सिर्फ, और नोज़ पे भी हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे एक नोज़ को स्लिम लुक मिले। आफ्टर दैट मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये SFR का ब्लश है, विविड ब्लश मैट, और इसे मैं हल्का हल्का अप्लाई कर रही हूँ। यूजिंग दिस ADS आई लाइनर, आप कौन सा भी आई लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक नॉर्मल आई लाइनर ही अप्लाई करने वाली हूँ। लिक्विड आई लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कौन सा भी काजल पेंसिल से आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली ड्रॉ हो जाता है और वो टाइम भी एक बचा देता है हमारा मॉर्निंग में, जो कि बहुत ही हरी टाइम होता है। आई एम यूजिंग दिस मेबलिन कॉलोसल मस्कारा। मस्कारा तो लगाना मस्ट ही है क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी तो ये मस्कारा लगाने से क्या होगा, आपकी जो आँखें हैं वो ओपन अप लगेगी, तो मस्कारा लगाना मत भूलना। और अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई ज़रूर करना क्योंकि ये अच्छा लुक देता है और आपकी जो आँखें हैं वो ओपन लगती है। After that, I'm using this Max Factor lipstick and my shade is Burnt Caramel, जो कि एक न्यूड लिपस्टिक है और ऑफिस के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो इसमें मेरा आई शेडो और मेरे लिप्स मैच करते हैं और बहुत ही न्यूड लुक है ये।
So yeah, this is the final look. जो कि बहुत ही perfect है ऑफिस के लिए. अगर वीडियो पसंद आए, hit the like button, subscribe to my channel, bell icon को click कर देना ताकि notification मिल जाए. So till then take care and bye bye.